फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गया एक नया वीडियो के साथ स्टेट बैंक का कस्टमर के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेट बैंक का एक ऐप के बारे में जिसका नाम है SBI डीजी वाउचर। तो इस ऐप के बारे में शायद आप पहले सुने होंगे क्योंकि इस ऐप को स्टेट बैंक की तरफ से 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद इस ऐप को इनएक्टिव कर दिया गया, लेकिन फिर दोबारा इस ऐप को एक्टिव किया गया है और नए नए फीचर के साथ। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और अभी तक आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम जो लिंक है उसको दे दूंगा, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर स्टेट बैंक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है आपके मन में तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपका हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं SBI डिजिटल वाउचर में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसका सारा फीचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है SBI डिजी वाउचर का ऐप। ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आप लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा आपको, फॉरगेट पिन, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो अगर आपको पहले से इस ऐप में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का और एक पेज आपके सामने आएगा, और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एंटर योर अकाउंट नंबर, यानी आपका जो स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP में आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिक्वेस्ट OTP में क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। और उसके बाद 6 डिजिट का एक पिन नंबर आपको क्रिएट करना होगा। सिर्फ ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और इस ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करने का कोई आपका डिफ़िकल्टी नहीं होगा क्योंकि ये एक ईजी प्रोसेस है। सिर्फ OTP देने से, उसके बाद पिन नंबर क्रिएट करने से ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन है और इसके लिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर और मेरा जो 6 डिजिट का जो पिन नंबर है उसको एंटर कर दूंगा और फिर लॉगिन बटन में क्लिक कर दूंगा। तो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद 6 डिजिट जो पिन नंबर है उसको भी डाल दिया, फिर यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन में क्लिक किया यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, और उसके बाद देखिए इस तरह का जो इंटरफेस है लॉगिन करने के बाद, उस इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा और इसमें ऊपर पे SBI डिजी वाउचर लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए सेविंग्स डिपॉजिट, लोन डिपॉजिट, रेमिटेंस, डिमांड ड्राफ्ट विथड्रॉल नियर बाई ब्रांचेस, यानी आप इस तरह का कुछ जो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है सेविंग्स डिपॉजिट। तो आप डिपॉजिट में क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पे कैश चेक दोनों है, और यहाँ पे देखिए सेकेंड जो ऑप्शन है माई अकाउंट, अदर्स अकाउंट, यानी आपका अकाउंट में और किसी दूसरे के अकाउंट में भी आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो अगर आपको खुद का अकाउंट में करना है तो माई अकाउंट सिलेक्ट कीजिए और इसमें आपको अकाउंट नंबर चूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पे मेरा 3 अकाउंट्स यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं एक किसी एक को चूज़ कर लूँगा। देखिए यहाँ पे एक को चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे डिनोमिनेशन दिया हुआ है, यानी आपके पास क्या क्या नोट है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना होगा। और जैसे आप डिपॉजिट स्लिप भरते हैं उस डिपॉजिट स्लिप को इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपको ब्रांच में जाने के बाद एक स्लिप डिपॉजिट स्लिप फिलअप करना होता है। अगर आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट स्लिप फिलअप करना नहीं होगा, ये बहुत सिंपल है। इसमें आप आपका जो भी नोट है इसमें डाल दीजिएगा। अगर आपके पास 2000 का एक नोट है और 500 का एक नोट है, 200 का एक नोट है और 100 का एक नोट है, देखिए सारा यहाँ पे मैं एंटर कर दिया। उसके बाद टोटल क्या अमाउंट होता है इसमें सिंपल आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2800 होता है। और फिर इसमें आप सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिएगा और दोबारा आप सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लीजिए, फिर यहाँ पे कन्फर्म कर देना होगा। आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे आपके पास इस तरह का देखिए एक कोड आएगा, इस कोड को लेकर आपको ब्रांच में जाना है और इसके साथ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ कैरी करना है। देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट, देखिए एक नंबर है, प्लीज़ शो दिस टोकन नंबर एट ब्रांच टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, यानी आपका ये जो टोकन नंबर है इस टोकन नंबर को आपको ब्रांच में जाकर सबमिट करना होगा। और उसके साथ पॉइंट टू देखिए, प्लीज़ कैरी योर वैलिड आईडी प्रूफ टू कन्फर्म योर कंसेंट फॉर यूजिंग डीजी वाउचर, यानी कि आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेना होगा जिसमें कि आपका नेम फ़ोटो वगैरह रहे।
अगर देखना चाहते हैं ब्रांच ब्रांच से तो आपको वो चीज़ दिखाना होगा। और यहाँ पे देखिए ये इसका जो वैलिडिटी है, दिस टोकन नंबर इज़ वैलिड टिल वेडनेसडे नवंबर 4, 2020 10:24 PM, यानी इसका 24 आवर का जो वैलिडिटी है वो रहेगा। देखिए इस ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया है, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हिस्ट्री में मैं जाऊंगा क्योंकि इस ऐप को मैं 2016 से यूज़ कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट डिपॉजिट था वो 2016 में था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 5/8/2016 का ये डेट है, 5th August का जो डेट है, इससे मेरा पहला डिपॉजिट हुआ था, यानी 2016 में ये ऐप काम कर रहा था, आपको दिखा दिया। और देखिए इस ये तो आपको मिल गया सेविंग्स में डिपॉजिट करने के लिए, आपके लोन में भी डिपॉजिट कर सकते हैं आप, सेम प्रोसेस है, खुद का अकाउंट में कर सकते हैं, दूसरे का अकाउंट में भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रेमिटेंस वगैरह है, यानी आपको NEFT RTGS के लिए जो फॉर्म भरना होता है वो भी आपको नहीं चाहिए, सिर्फ इसमें फिलअप कर दीजिए तो आपको चल जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट भी है, अगर आप ड्राफ्ट करते हैं ब्रांच में जाते हैं तो उसके लिए आपको ड्राफ्ट का फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर सही तरह से आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपको किसी भी तरह का कोई फॉर्म का ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पे कैश विदड्रॉल भी है, देखिए विदड्रॉल का भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल अभी है, पहले ये चीज़ नहीं था। तो बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे स्टेट बैंक का ब्रांच आपको मिलेगा तो आप उसके लिए भी सर्च कर सकते हैं। नियर बाई ब्रांचेस का जो ऑप्शन है इसमें आपको सर्च करना होगा, तो आपका जो भी आपका नियर बाई जो स्टेट बैंक का ब्रांचेस हो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया यूज़फुल ऐप है, क्योंकि इस ऐप को आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई फॉर्म फिलअप करना नहीं होगा। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये सिंपल आपको डिजिटली हो जाएगा। ये बहुत एक अच्छा ऐप है स्टेट बैंक की तरफ से, पता नहीं क्यों इस ऐप को इनएक्टिव कर दिया गया था, अभी ये एक्टिव हो गया, तो आप इस ऐप को यूज़ कीजिए, एक बढ़िया ऐप है, आपको पेपर भी वेस्टेज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, यानी इसको यूज़ करने से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है उसमें फॉलो कीजिए, उसमें भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का स्टेट बैंक का कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा कोई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।